in this module we are going to discuss what is meant by a cash flow statement how we prepare a cash flow statement what are its major components or what are the major elements that are that help us in formulating or understanding the cash flow statement and once we have the cash flow statement how do we interpret it or analyze it so basically when we talk about the cash flow statement it tells you about the various types of कैश इनफ्लोज एंड कैश आउटफ्लोज विच अ सर्टन कम्पनी इज़ मेकिंग सो कोई भी कंपनी uh, ने किस कितना कैश के फॉर्म में उसके पास मनी आई है और कितना कैश के फॉर्म में मनी गया है उससे उस सिर्फ कैश की वैल्यूज़ uh, को कंसिडर करके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई जाती है दैट इज़ कॉल्ड द कैश फ्लो स्टेटमेंट सो ये आपको ओवरऑल डिफरेंट तरह की पिक्चर देती है एज़ कम्पेयर टू द इनकम स्टेटमेंट और द बैलेंस शीट इनकम स्टेटमेंट में आपने वो तमाम एक्सपेंसेस और रेवेन्यू के सोर्सेस गेंस और लॉसेस को अकाउंट फॉर करा होता है जो आप कर रहे होते हैं कि ये तरह के डिफरेंट एक्सपेंसेस हमने करने हैं और ये तरह के डिफरेंट रेवनीूज़ के डिफरेंट सोर्सेस से हमें आमदनी आने जा रही है बक एक्चुअली कितना पैसा आपको मिला है और कितना पैसा आपके अकाउंट में से किसी भी कंपनी के अकाउंट में से निकल के चला गया है उस पर्टिकुलर चीज़ को अगर आपने मद्देनज़र रखना है और उसके अकॉर्डिंगली आपने डिसीजंस लेनी है तो फॉर दैट पर्पज़ यू नीड टू लुक एट द कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी और अ फॉर्म सो ये आपको ओवरऑल um, uh, जो उसकी कैश के टर्म्स की फाइनेंशियल जो पिक्चर है वो उसके बारे में वजाहत करती है सो वेन वी consider कंसिडर द कैश लोसेटमेंट देर आर टू मेजर एस्पेक्ट्स दैट आर टू बी कंसिडर्ड सबसे पहली बात कि किसी भी कंपनी की कैश पोजीशन को अंडरस्टैंड करना है कि उसके पास ज़रूरत कितना कैश है फॉर एग्जाम्पल आप किसी कंपनी की बात कर रहे हैं उस उसने कोई सामान मैन्युफैक्चर किया है और मार्केट में सप्लाई भी कर दिया लेकिन अभी उसको पेमेंट्स नहीं आए और उसको तनख्वाहें देनी है अपने इम्प्लॉयिज़ के लिए और उसके पास अभी रेडी फॉर्म में कैश नहीं है तो द कंपनी विल बी इन ट्रबल तो इसलिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू लुक एट दैट एस्पेक्ट ऑल्सो कि अभी वहाँ कैश का पोजिशन क्या है सो फॉर दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट वी लुक एट द कैश फ्लो स्टेटमेंट्स तो समटाइम्स देर आर कंपनीज और देर आर फॉर्म्स जहाँ कैश एक्सपेक्ट तो किया जाता है कि आपको रेवेन्यू मिलने जा रहा है लेकिन कैश इन हैंड जो है उसमें दिक्कत हो रही होती है अपने डे टू डे एक्सपेंसेस को बियर करने के लिए कोई बिल्स हैं या आपने कोई पेमेंट करनी है या आपने तनख्वाहें देनी है अपने अमले को तो वहाँ इसमें दिक्कत आ सकती है और इस पर्टिकुलर दिक्कत को इस तरह की दिक्कत को हम फाइनेंशियल uh, इकोनॉमिक्स के टर्म्स में फ़ाइनेंशियल डिस्ट्रेस बोलते हैं तो फाइनेंशियल डिस्ट्रेस एक ऐसी सूरत हाल है या एक ऐसी कंडीशन है जिसमें कोई भी कंपनी या इंडिविजुअल इतना रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पा कर पा सकता या इतनी इनकम जनरेट नहीं कर पा सकता कि वो अपने फाइनेंशियल ऑब्लीगेशनस को मीट कर सके या जैसे मैंने अभी आपको बताया कि तनख्वाह देनी है और आपको पता है कि आपने करोड़ों रुपए का सामान मैन्युफैक्चर करके मार्केट में डाला है मगर अभी आपको फुल पेमेंट्स आपके जो बायर्स हैं उन्होंने नहीं किए तो आपको तनख्वाह तो देनी है आपको बिल्स भी देने हैं उनका डेडलाइन आ गया है तो आपके पास अगर कैश नहीं है तो देन दैट मीन्स दैट द कंपनी इज़ इन द फाइनेंशियल डिस्ट्रेस सिचुएशन तो इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट को कि वो फाइनेंशियल डिस्ट्रेस में है या फाइनेंशियल डिस्ट्रेस में जारी है इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू लुक एट इट्स कैश फ्लो स्टेटमेंट सो ये ये एक अहम रोल प्ले करती है कैश फ्लो स्टेटमेंट और बेसिकली वैन वी आर लुकिंग एट द कैश फ्लो स्टेटमेंट हम जो इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं वहाँ हम एक सिस्टम को फॉलो करते हैं यहाँ आप एक सिस्टम को अकाउंट फॉर नहीं कर सकते अकाउंटिंग के जो टेक्निक है उसको अकाउंट फॉर नहीं करते आपने सिंपली स्ट्रिक्टली देखना है कि हमारे पास कैश कितना है और कितना कैश आपने इनफ्लो uh, हो रहा है कितना कैश आपका आउटफ्लो हो रहा है सो कैश फ्लो स्टेटमेंट को समझने के लिए वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट देर इज़ दिस अक्रूवल अकाउंटिंग मैथड विच इज़ अकाउंटेड फॉर और विच इज़ यूज टू कंस्ट्रक्ट द इनकम स्टेटमेंट और उसमें क्या है कि आपने जैसे बोला कि हमने इनकम इनकम जनरेट किया है या कोई भी चीज़ें मैन्यूफैक्चर की हैं उसकी वैल्यू ये है तो हम इनकम स्टेटमेंट में लिखेंगे कि हमने पाँच करोड़ के प्रोडक्ट्स को मैनुफेक्चर किया है या आप उसको मार्केट में बेचने जा रहे हैं ये तो इनकम स्टेटमेंट में आएगा मगर अभी वो एक्चुअल पैसा आपको कितना मिला है वो आपको इनकम स्टेटमेंट नहीं बता सकती बिकॉज इनकम स्टेटमेंट जब हम कंस्ट्रक्ट करते हैं तो वहाँ हम एकूवल अकाउंटिंग मैथड इस्तेमाल करते हैं एक्रूवल अकाउंटिंग मैथड का मतलब होता है कि आप सिर्फ वो वैल्यूज़ को अकाउंट फॉर करें जो आपने एक्सपेंसिज फोर्सी किए हैं या आपने अकाउंट फॉर किए हैं बट एक्चुअल आपके पास हाथ में कितने पैसे आए हैं वो एक अकाउंटिंग मैथड कंसिडर नहीं करता एंड फॉर दैट We need to look at this third type of financial statement which is called इज़ कॉल्ड कैश फ्लो स्टेटमेंट when we are going to calculate the द uh, net income, जैसे हमने जब हमने income statement डिस्कस किए थे उसके वेरियस कॉम्पोनेंट्स तो हमने उसमें देखा था कि वहाँ जब हम इन्वेंट्री को कैलकुलेट कर रहे होते हैं या हम डिप्रिसिएशन की वैल्यू निकाल रहे होते हैं तो हम वहाँ सब जजमेंट्स या असेसमेंट्स लगा रहे हैं एक्चुअली जाके गोडाउन में जाके आप वैल्यूज़ को असेस नहीं करते आप ने फॉर एग्जांपल अगर लीनियर मेथड लगाया डेप्रिसिएशन का आपने बोला हमारे पास जितने भी एसेट्स पड़े हुए हैं वो टेन परसेंट हर साल उसकी वैल्यू डिटीरियोरेट कर जाएगी मगर एक्चुअल मार्केट वैल्यू उसका कितना है ये हमें उसका अंदाजा नहीं होता तो बेसिकली आपने हो सकता है कि जो आपके पास इनकम स्टेटमेंट में जो इन्वेंट्रीज पड़े हुए हैं आपके या जो ओवरऑल एसेट्स हैं उसकी पिक्चर आपको मिलेगी कि ये बहुत ज़्यादा वैल्यू रखते हैं मगर एक्चुअली जब आप एक्चुअल उसको बेचने के लिए जाएँ तो हो सकता है आपको बहुत कम पैसे मिले उसी चीज़ के तो देर इज़ दिस डिफरेंस बिटवीन द इनकम स्टेटमेंट वैल्यूज़ एंड द कैश फ्लो स्टेटमेंट वैल्यूज सो देरफॉर इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड बोथ साइड्स ऑफ द पिक्चर इन ऑर्डर टू हैव अ क्लियर और अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ओवरऑल फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ अ फर्म इसी तरह से जब हम नेट uh, इनकम in की बात करें वहाँ जजमेंट्स होते हैं जजमेंटल वैल्यूज़ दिए हुए हैं आपने हाइपोथेटिकल वैल्यूज़ दिए होते हैं या कोई फॉर्मूला के तहत आप वैल्यूज़ लगाते हैं तो जैसे आपके पास कोई इंटेंजिबल एसेट्स हैं उनको एमोटाइज करना है तो वहाँ भी आप जजमेंट्स को इस्तेमाल करते हैं तो हो सकता है कि नेट इनकम जो है वो इनकम स्टेटमेंट में जो आपने लिखी हुई है वो एक्चुअल वैल्यूज़ से बहुत फ़र्क हो तो इसलिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू लुक एट द कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑल्सो वैन वी लुक वैन वी कंसिडर द कैश फ्लो स्टेटमेंट और वैन वी ट्राई टू लर्न और अंडरस्टैंड द कंस्ट्रक्शन और द स्ट्रक्चर ऑफ अ कैश फ्लो स्टेटमेंट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट वैन वी कंस्ट्रक्ट द कैश फ्लो स्टेटमेंट उसमें तीन तरह के कॉम्पोनेंट्स तीन तरह के हेड्स बनाए जाते हैं आपने कैश फ्लो लेना है आपके ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से फिर आपने इन्वेस्टमेंट की एक्टिविटी का कैश फ्लो अकाउंट फॉर करना होता है और तीसरा आपने फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ की कैश फ्लो को अकाउंट फॉर करना है और ये तीन तरह की कैश uh, फ्लोस को कंसिडर करके आप एक कैश फ्लो स्टेटमेंट को तैयार करते हैं या कोई भी जो जनरली कैश फ़्लो स्टेटमेंट बनती है उसमें ये तीन हेड्स मैंशन किए जाते हैं सो व्हेन वी लुक एट द ओवरऑल स्ट्रक्चर इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि जब मैंने अभी आपको बोला कि हमारे पास ऑपरेटिंग uh, एक्टिविटीज़ की कैश फ्लो सबसे पहले uh, डाली जाती है कैश फ्लो स्टेटमेंट को बनाने के लिए तो वन वी से ऑपरेटिंग इनकम उसका क्या मतलब है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ कौन से होते हैं तो आपने जो भी प्राइमरी आपकी एक्टिविटीज़ हैं जो डिफरेंट बिजनेस के ऑपरेशंस हैं कुछ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं वो सब चीज़ों के ऊपर जो आपको कैश इनफ्लो आ रही है या उसको बनाने के लिए जो आपने पेमेंट्स किए हैं दैट विल बी दोज़ विल बी कंसिडर्ड इन ऑर्डर टू कंसिडर द ऑपरेटिंग

when we are when we move on to the next part it is it, it takes into account the uh, cash flows involving the investment activities wahan aap tamam tarah ki investment gains ko ya losses ko account for karte hain for example aapne koi property buy kiya hai aapne koi plant lagaya hai आपने कोई equipment buy की है कोई आपने vehicle buy किया आपने firm के लिए तो उसके ऊपर जो भी इन्वेस्टमेंट uh, पर्पज़ के लिए जो आपने पैसा खर्च कराया है कैश आउट थ्रो हुआ है आपने वो अकाउंट फॉर करना है सो so, जो तीसरी तीसरी चीज मैंने आपको बोली थी द थर्ड कॉम्पोनेट ऑफ अ कैश फ्लो स्टेटमेंट दैट इज़ द कैश फ्लो फ्रॉम द फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ सो वन यू आर अकाउंटिंग फॉर द फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ इट मीन्स आपने कोई डेट या इक्विटी के ऊपर जो भी एक्सपेंसिस एक्चुअल रियलाइज हुए हैं जो भी आपने खर्च किए हैं पैसे Uh, किसी किस्म का ट्रांजेक्शन हुआ है इन फ्लो आउटफ्लो आपने उसको अकाउंट फॉर करना है इन द कैश फ्लो फॉर द फाइनेंसिंग ऑपरेशन एज द थर्ड पार्ट ऑफ द कैश फ्लो स्टेटमेंट सो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड वॉट इज द ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ अ कैश फ्लो स्टेटमेंट आई एम गोइंग टू यूज एन एग्जाम्पल अगैन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द हाइपोथेटिकल कंपनी एक्स वाई जी इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ अ कैश फ्लो स्टेटमेंट आई एम गोइंग टू डेमोन्स्ट्रेट बाय टेकिंग इू अकाउंट आ हाइपोथैटिकल कंपनीज वैल्यूज इन ऑर्डर टू इलास्ट्रेट हाउ द कैश फ्लो स्टेटमेंट इज कंस्ट्रक्टेड सो एज आई है इसके तीन हिस्से होते हैं सबसे पहले हम अकाउंट फॉर करेंगे कैश फ्लो फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज सो so सपोज आपने नेट इनकम जनरेट किया अपने मेजर जो आपका ऑपरेशन था कुछ मैन्युफैक्चर करना था वहाँ से तो आपने जो नेट इनकम जनरेट किया और ये रियलाइज़ किया आपने इट इज़ इट टर्न आउट टू बी ट्वेंटी थ्री पॉइंट फोर मिलियन डॉलर्स इसमें आपने ऐड करनी है डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस अब आपने ये आपकी कंपनी ने डिसाइड किया हुआ है कि हमने लीनर डिप्रिसिएशन लगाना है नॉन लीनर डिप्रीशन लगाना है तो so सपोज दैट टर्न्स आउट टू बी थर्टी मिलियन डॉलर और हमने इसको इसमें एड कर दिया देन वी आर गोन्ट इनकम द वैल्यू ऑफ इनक्रीज इन अकाउंट रिसीवेबल सपोज हमने अगैन इमेजनरी वैल्यू उठाई सपोज वो टेन मिलियन डॉलर थी आपने उसको सब्ट्रैक्ट करना है उसके बाद फिर हमने इसमें से सब किया अपनी इन्वेंट्री की वैल्यू जो आपने इंक्रीज किया है अब आप सोच रहे होंगे कि इन्वेंट्री तो बढ़ गई और हमने उसको माइनस क्यों कर दिया है तो माइनस इसलिए किया कि जब आपने ये इन्वेंट्रीज खरीदे हैं तो आपने उसके लिए पेमेंट कराया है और वो जो पेमेंट किया था सपोज वो थर्टी मिलियन डॉलर का था तो इसलिए यहाँ माइनस का साइन आ जाएगा फिर आपने इसमें ऐड किया वैल्यू

आपने इन सब को ऐड किया सो दैट टर्नड आउट टू बी 254 मिलियन डॉलर्स नेक्स्ट दिस इज़ द फर्स्ट टाइप ऑफ कैश फ्लो वी आर गोइंग टू टेक इनटू अकाउंट फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ फिर आपने अगर कोई फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ परफॉर्म किए हैं उस साल में तो आपने उनको अकाउंट फॉर करना है सो so सपोज अभी हमने कहा दैट वी आर गोइंग टू टेक इन अकाउंट फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ So, आपने इन्वेस्ट किया है इन प्लांट एंड इक्विपमेंट इन्वेस्टमेंट किया प्लांट कोई बाय किया इक्विपमेंट लिया और उसके लिए आपने पेमेंट किया है 90 मिलियन डॉलर का फिर हम तीसरी तरह की हेड को कंसिडर करने वाले हैं एंड दैट इज द कैश फ्लो फ्रॉम द फाइनेंसिंग एक्टिविटी एंड उसके लिए हमने लोगों को डिविडेंड्स पे किए आपके पास से कैश चली गई कंपनी से बिकॉज दिस इज द पेमेंट विच यू हैव मेड राइट एंड सपोज अभी हमने पिछली एग्जाम्पल कोई कैरी फॉरवर्ड करा है तो उसमें हमने टेन मिलियन डॉलर की पेमेंट की थी और आपने सपोज कहीं से शॉर्ट टर्म डेट उठाया है ले लिया बोरो किया फॉर नाइन्टी फोर पॉइंट सिक्स मिलियन डॉलर तो चूंकि आपके पास अभी कैश आ गई है तो आपने इसको ऐड कर देना है तो दिस इज इंक्रीज इन शॉर्ट टर्म डेट सो दिस इज एन तो तो हमने इसलिए यहां प्लस का साइन लगाया तो आपने देखा कि अभी हम क्या कर रहे हैं हम सिर्फ वो वाले हेड्स को काउंट फॉर करें जो कि कैश के फॉर्म में आपसे जा रहे हैं या कैश के फॉर्म में आपके पास आ रहे हैं और अगर कैश के फॉर्म में आपसे जा रहे हैं तो आप उसको माइनस के साइन से रिप्रेजेंट करते हैं उन तमाम एक्टिविटीज को So, if we write here the bottom account for total change in cash and marketable securities. So, this turns out to be twenty million dollars. So, this is what the cash flow statement looks like. एंड यू कैन सी दैट हमने जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि हमने इसमें ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के तमाम तरह के कैश फ्लोज को अकाउंट फॉर किया उसके बाद हमने इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी के कैश फ्लो को अकाउंट फॉर किया फिर हमने फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ के कैश फ्लो को अकाउंट फॉर किया और इस तरह से हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाई समटाइम्स पीपल आर अनएबल टू डिफ्रेंसिएट बिटवीन द इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ एंड द फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ प्लीज़ नोट इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी वो एक्टिविटीज़ होते हैं जिनको इनकार करते हैं हम इस मकसद के लिए कि हम फर्दर कोई रेवेन्यू या इकोनॉमिक एक्टिविटी को जनरेट करें जैसे आपने कोई कारखाने में एक्सटेंशन किया कोई नई मशीन ख़रीद ली कोई एग्रीकल्चरल या फार्मिंग से रिलेटेड कोई काम था तो उसमें आपने कोई नया ट्रैक्टर बाय कर लिया अभी ट्रैक्टर क्या है उसके ऊपर आपने पैसे खर्च किए तो वो आपको और इनकम जनरेट करके देगा तो इसलिए हम उसको बोलते हैं ये इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी है सिंस वी हैव डिस्कास दैट द

ऐसे पैसे खर्च किए हैं इस चीज़ के ऊपर जिससे आप कोई इनकम जनरेट करने जा रहे हैं सो so वी से इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज से कैश फ्लो हुआ है इसका मतलब है कि आपने uh, अपने फॉर एग्जांपल आपने अपने कोई कारखाना था उसके अंदर नई मशीन बाय कर ली है तो पैसे खर्च हो गए अब आप मशीन आपके लिए और इनकम जनरेट करके देगी तो इफ़ इट इज़ इफ़ यू आर गु स्पेंड द मनी जस्ट फॉर द सेक ऑफ़ जनरेटिंग मोर इनकम तो दैट टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर विल बी नोन एज इन्वेस्टमेंट कि आपने इन्वेस्ट करा है इट कैन बी फॉर एग्जाम्पल ट्रेनिंग इन पीपल इन्वेस्ट करा वहाँ से फ़र्दर इनकम जनरेट करने के लिए एक एक्स्ट्रा पीस ऑफ लैंड बाई कर ली वहाँ आपने कोई कारखाना लगाना है तो ये आपकी इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ की कैश फ्लो के अंदर कंसिडर किया जाएगा फाइनेंसिंग का मतलब है कि आपने कोई लॉन्ग टर्म डेट ले ली वापस किया लॉन्ग टर्म आपने फाइनेंसिंग का मतलब है कि उसमें कोई पैसों के लेन देन किया आपने तो दिस इज़

वो डिफरेंट हेड में जाएंगे फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ के ऊपर जो आपने पैसे कैश फ्लोज आए हैं इनफ्लो आए या आउटफ्लो है आपको आप वापस पैसे किसी ने किए हैं या आपने किसी को पैसे लौटाए हैं तो वो दैट विल बी प्योरली प्योरली कंसिडर्ड एज़ फाइनेंसिंग एक्टिविटी